दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते हो दोस्तों, उसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्पीड कंट्रोलर के साथ मोटर, बैटरी या थ्रोटल कैसे कनेक्ट करें, दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि स्पीड कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक 250 वोल्ट की और एक 350 वोल्ट की और एक 650 वोल्ट की हमारे पास एक कंट्रोलर है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्पीड कंट्रोलर में बहुत सारे वायर रहते हैं, तो इसमें हमको डाउट हो जाता है कि इसमें कौन सा वायर ज़रूरी है, कौन सा वायर नहीं है। दोस्तों इसमें सबसे जो मेन ज़रूरी वायर होता है वो होता है दोस्तों एक ये बैटरी का, दूसरा मोटर का, और ये एक थ्रोटल का, और दोस्तों एक ये इग्निशन स्विच होता है जिसको हम पावर लॉक कहते हैं, जिससे दोस्तों हमारे जो इसमें एक स्विच लगेगा जो ऑन ऑफ होगा, जिससे पावर सप्लाई चालू होगा और बंद होगा। तो दोस्तों ये चार मेन वायर होता है, तो इसको मोटर और बैटरी के साथ कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें हम मोटर कनेक्ट करने पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो वायर है हम अलग कर देंगे। दोस्तों ये चार वायर इसके साथ मिक्स ना हो जाए दोस्तों, इसके लिए हम इसमें एक टेप लगा देंगे जिससे जो ये वायर है, जो मेन वायर है वो अलग हो जाए। दोस्तों जिसमें हमने टेप लगाया ये जो है हमारा मेन वायर है नहीं। दोस्तों ये जो चार वायर दिख रहा है ये जो हमारा मेन वायर है। दोस्तों ये चार में से जो आपको ब्लू और ये येलो जो दिख रहा है दोस्तों, ब्लू ये प्लस वाला और येलो माइनस वाला है। दोस्तों ये देख सकते हैं मोटर की जो दो वायर है, ये जो रेड है वो हमारा ब्लू प्लस है, हम इसके अंदर डाल देंगे, और येलो जो है माइनस है तो हम ब्लैक वाला इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें चार में से हमने एक कनेक्शन दे दिया। अब दूसरा दोस्तों ये आता है थ्रोटल का। थ्रोटल में देख सकते हैं दोस्तों पूरे सर्किट में आपको एक ही पिन मिलेगा जिसमें तीन होल होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारे पास थ्रोटल का एक पिन है, अंदर भी देख सकते हैं तीन है। तो दोस्तों इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं हमारा एक मोटर का, एक थ्रोटल का कनेक्शन हो गया। दोस्तों इसमें एक आता है पावर लॉक। पावर लॉक में दोस्तों हम एक स्विच यूज़ करेंगे, देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्विच है, इसको हम इग्निशन स्विच भी बोलते हैं दोस्तों, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों इसको भी हम इसमें लगा देंगे, देख सकते हैं इसमें पावर लॉक लिखा है, पावर लॉक में हम ये लगा देंगे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमने तीन वायर इसमें लगा दिया, लास्ट जो बचता है दोस्तों ये हमारा बचता है बैटरी का वायर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है 12-12 वोल्ट की, मैंने दो बैटरी ली है, दोनों को फिर कनेक्शन दे के यहाँ से देख सकते हैं दो वायर आया, दो वायर जो है इसको हम ये बैटरी के साथ, बैटरी के वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा कनेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया, हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया और थ्रोटल को भी कनेक्ट कर दिया और एक स्विच पावर ऑन ऑफ करने के लिए, और दोस्तों एक बैटरी का स्विच लगा दिया। तो इसमें देख सकते हैं हमने चार कनेक्शन जो मेन है वो हमने दे दिया। तो चलिए हम एक बार थ्रोटल से चला के देखते हैं जो हमारा मोटर है घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ये घूम नहीं रहा है क्योंकि ये जो हमारा स्विच है अभी बंद है। तो दोस्तों जब इसको हम चालू कर देंगे तो जो पावर सप्लाई है वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये घूम रहा है। दोस्तों जब इसको हम घुमाएंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे हम घुमाएंगे उसकी स्पीड वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड कितनी धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। अगर इसको हम धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो इसकी स्पीड भी कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि हमने चार वायर जो मेन था उसको लगा के हमने हमारी मोटर जो है थ्रोटल से चला के दिखा दी। तो और दोस्तों इसमें जो बाकी एक्स्ट्रा वायर है वो किस लिए दिया गया वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जो देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा वायर है, इसमें एक्स्ट्रा वायर में दोस्तों कौन सा वायर मिलता है। दोस्तों एक्स्ट्रा वायर में हमको एक ब्रेक लाइट और दूसरा चार्जिंग का और चौथा जो है इंडिकेटर का। दोस्तों ये चार जो हमें एक्स्ट्रा वायर जो मिलता है दोस्तों, ये ब्रेक का वायर किस लिए काम करता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ब्रेक है। दोस्तों ये सिंपल ब्रेक नहीं है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे अंदर एक आपको एक स्विच मिल जाता है। तो दोस्तों वो स्विच कब वर्क करेगा दोस्तों, जब इस ब्रेक को हम दबाएंगे तो वो स्विच जो है वो दबेगा और जो वर्किंग है वो चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर स्विच से आया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है। दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, ये दोस्तों ये ब्रेक के लिए वर्क होता है। अगर दोस्तों अगर हम चला रहे हैं हमको ब्रेक मारना है तो दोस्तों ये हम दबाएंगे तो जिससे ब्रेक है ना हमारी रुक जाएगी और मोटर घूमेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका वर्क कैसे करता है। देख यहाँ पे आप देख सकते हो जो चार पिन है इसमें से जो एक ब्रेक वाला है हम इसको इसके साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये पाँचवा कनेक्शन अपना दिया है, ये पाँचवा कनेक्शन जो है हमारा ब्रेक का है। तो ये ब्रेक कैसे वर्क करता है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेक है और ये थ्रोटल है। दोस्तों अभी हम थ्रोटल घुमा रहे हैं तो ये घूम रहा है, लेकिन दोस्तों जब हम ये ब्रेक को दबा के रखेंगे ना तो ये जो थ्रोटल है घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हमने ये थ्रोटल को दबा दिया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं जो ये हमारा मोटर है, ये थ्रोटल जो है मोटर के साथ वर्क नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम ये ब्रेक को अंदर डाल देते हैं
तो ये जो हमारा मोटर है ये वर्क करना चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो स्विच होता है ना अंदर का, जब हम ब्रेक दबाने से जो हमारा स्विच है वो दबता है और ये जो मोटर होता है ये वर्किंग करना बंद कर देता है। तो दोस्तों अभी जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक लगा हुआ है, तो ये जो हमारा थ्रोटल है वर्क नहीं करेगा इसमें, ये देख सकते हैं इसमें आप। लेकिन जब हम इस ब्रेक को अंदर पूरा डाल देंगे बराबर, देख सकते हैं इसमें जो अभी हमारा ब्रेक है वो पूरा अंदर चला गया है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा थ्रोटल है वो अभी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने पांचवा कनेक्शन भी जान लिया। अब पांचवा कनेक्शन के बाद दोस्तों हम इसमें हमारा जो एक ब्रेक लाइट और इंडिकेटर और चार्जर, ये तीनों वर्क कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो तीन वायर जो बचा है उसमें से दोस्तों एक इंडिकेटर का बचा है, एक चार्जर का और एक ब्रेक लाइट का। दोस्तों ब्रेक लाइट क्या है? दोस्तों ब्रेक लाइट दोस्तों यही सिंपल चीज़ होता है, इसमें दोस्तों एक स्विच जो मैंने आपको बताया है जो ये ब्रेक में हमने यूज किया, तो यही दोस्तों यही स्विच ब्रेक लाइट में यूज होता है। जब हम इसको दबाते हैं तो जो ये नीचे का छोटा जो बटन है वो दबता है और पीछे की जो ब्रेक लाइट है वो जलती है, तो ब्रेक दबाने पे जो लाइट है वो जलती है। दोस्तों ब्रेक लाइट इसलिए यूज होता है। दोस्तों चार्जिंग दोस्तों इसमें हमारा जो चार्जर होता है, जो 12 वोल्ट का चार्जर जो होता है, वो चार्जर का पिन हम इसके साथ कनेक्ट करके इससे जो हमारी बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तो चौथा जो स्विच है वो इंडिकेटर का स्विच है। दोस्तों इंडिकेटर का स्विच हम बैटरी चेक करने के लिए कि बैटरी में कितना चार्जिंग है कि नहीं है, कितनी देर चलेगी, वो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि हमारे बैटरी में कितना चार्जिंग है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें जैसे कि हमने सब वायर का कनेक्शन जान लिया है, मोटर का हमने जान लिया, बैटरी का जान लिया, थ्रोटल का और ये पावर लॉक का हमने जान लिया। और दोस्तों ब्रेक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेक कैसे वर्क करता है, ब्रेक लाइट भी बताया, चार्जिंग अपने चार्ज करने के लिए और इंडिकेटर। तो दोस्तों ये हमारा जो थ्रोटल का है जो पूरा कनेक्शन हो गया है, तो दोस्तों जिसमें हमारा जो थ्रोटल का है पूरा कनेक्शन हो गया। और बाकी दोस्तों जो इलेक्ट्रिक कार हो गई या इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गई, हालांकि दोस्तों सब में बस मोटर और बैटरी की साइज़ अलग अलग होती है और बाकी सब में जो स्पीड कंट्रोल के वायर जो आते हैं लगभग सब में सेम ही होता है और कनेक्शन सब में सेम ही करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आपको ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो उसमें आपको अलग कनेक्शन करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसमें अलग करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों जो स्पीड कंट्रोलर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर, हालांकि वायर दोनों में सेम ही दिया है, कोई फर्क नहीं है, कनेक्शन सब में सेम ही देना है, बस साइज़ का थोड़ा हेर फेर होगा, बाकी जो सब में कनेक्शन देना है वो सेम ही होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको हमारी जानकारी वर्क में आए तो आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं हमारे नए नए प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।